अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं। वेलकम टू आरडी किचन एंड गॉसिप्स व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें मैंने जैसे आपसे कहा था कि आपको मैं साथ में लेके भी चलूँगी कि वी आर गोइंग टू बाय यू नो सम गैजेट्स एंड सम अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या लाइक फॉर सम किचन टेंसिल्स लेने जा रही थी। सो आई जस्ट थॉट के साथ में यहाँ पे शूट भी कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना इतना ट्रेंड नहीं है, मैंने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे बहुत कम मैंने देखा व्लॉग्स बनाते हुए या फिर यूँ कैमरा पब्लिक प्लेस पे यूज़ करते हुए। तो मुझे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे ना एक्चुअली फ़ाइन भी है इस चीज़ का, लाइक अगर किसी की आप वीडियो ऐसे आ जाती है सामने तो आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है इफ़ ही इज़ नॉट विलिंग टू प्ले डैट। इस वजह से तो मैंने थोड़ा सा केयरफुली होके तो बनाए हैं इस शॉप की वीडियो। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको शॉप का बता देती हूँ कि मैं एक्चुअली गई कहाँ पे थी। हमारे घर से ना ये आलमोस्ट 15 to 20 मिनट के ड्राइव है अलबासी में शॉप का नाम, और दिस शॉप इज़ फेमस फॉर 5 रियाल। इधर आलमोस्ट 70 to 80% जो आपको इसमें स्टॉक है ना वो 5 रियाल में ही मिलता है। और ये नहीं कि 5 रियाल अगर आप कहते हैं कि 5 रियाल में क्या, लाइक बहुत अच्छा इसमें स्टॉक मिल जाता है। 5 रियाल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं मतलब अभी भी। अच्छा, पहले यहाँ पे ना दिस इज़ लाइक वन स्टॉप शॉप। यहाँ पे पहले जो है वो खाने पीने वाला सामान नहीं था, लाइक ग्रॉसरी की चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन अभी उन्होंने लास्ट ईयर से वो भी सारा इसमें एक सेक्शन बना दिया हुआ है। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हुए थे, हस्बैंड चले गए थे, उनको कुछ काम था और मैंने दोनों बच्चों को लिया और मैं फिर यहाँ पे आ गई थी। बच्चों को दो को ज़ाहिर है मैनेज करना टफ़ होता है शॉप को, इस वजह से मैं पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर सकी थी। मैंने सिर्फ जितने सेक्शन में मुझे काम था मैंने सिर्फ उतना ही जो है वो विज़िट किया था, बाकी मैंने विज़िट नहीं किया था यहाँ पे। अच्छा, अक्सर इस तरह की शॉप्स हैं जहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाती हैं चीज़ें। तो जैसे ये देखें अभी शॉप पे मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ आप लोग देखते जाएं। इसमें ये सारी जो चीज़ें थी ना ये सारी 5 रियाल वाली ही थी, यानी एक चीज़ जो है वो 5 रियाल की। तो दिस वाज क्वाइट गुड। और कुछ चीज़ों की तो क्वालिटी भी इतनी अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी थी कुछ चीज़ें तो। सो यू मस्ट विज़िट इफ़ यू आर इन रियाद, और आपने अगर इसको विज़िट नहीं किया हुआ तो आपको इसको विज़िट करना चाहिए। और भी हैं यहाँ पे शॉप्स, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। एक है वो 6 रियाल की है और उस पर भी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, मतलब उस पर तो इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। बट अभी हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे बिकॉज हस्बैंड ने जाना था, तो इस वजह से फिर मैं यहीं पर आ गई थी। अच्छा, और यहाँ पे बच्चों को मैंने दो बच्चे भी, उनको कैसे मैनेज किया ये भी बता दूँ। इन दोनों को कभी मैं बिठा रही थी ट्रॉली में क्योंकि स्ट्रॉलर इनके लेके नहीं आई थी, और कभी ये कह रहे थे वॉक। अच्छा, ये देखिए जिस तरह से ये जो बॉल थी ना ये इतने अच्छे इनका मटेरियल था, और जिस तरह से ये गोल्ड में है ना। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चलता है गोल्ड, लाइक सऊदी जो है ना स्पेशली वो लोग काफ़ी ये स्टैंड हो गए गोल्ड में और कुछ डिशेज़ हो गई तो ये काफ़ी लाइक करते हैं। अभी ये देखें यहाँ पर जिस तरह से ये सब दिस होल वॉज फॉर 5 रियाल। अच्छा, यहाँ पे अभी जब हम लोग एंटर हुए थे ना वहाँ उसी टाइम पे यहाँ पे ऑफ़र्स भी लगना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे डिस्काउंट अक्सर ही चलते रहते हैं, तो लेकिन ऑफ़र जो है ज़्यादा अच्छी अच्छी वाली चीज़ों पे तो खैर नहीं थी, लेकिन जो जिस तरह से ये जो सिंपल पड़े हुए हैं बॉल्स तो इनमें 5 रियाल के 2 भी थे और 5 रियाल के 3 भी थे। जो थोड़े छोटे थे वो 3 के थे बॉल, और जो थोड़े से बड़े थे ना वो 5 रियाल के 2 थे। तो यहाँ पे बड़ों के साथ साथ ना लाइक किचन के सारे सामान के साथ, घर के सारी एक्सेसरी के साथ यहाँ पे बच्चों की भी चीज़ें थी, लाइक बच्चों के टॉयज़ भी थे, बच्चों के कपड़े जूते सब चीज़ होती है यहाँ पे। तो चलें टॉय जो हैं वो यहाँ से मतलब ले लेना एक ठीक बात है। और साथ ये देखें जिस तरह से अभी ये था, दिस वॉज आल्सो फॉर 5 रियाल, लाइक पाइपिंग बैग से ये मुझे अच्छा लगा बिकॉज पाइपिंग बैग जो होता है उसको थोड़ा सा मैनेज करना, और समटाइम ये होता है मेरे साथ, तो एक तरफ दफ़ा ये हुआ था कि उसमें मैंने वर्मिकल्स जो है वो बनानी थी, बट वो क्या हुआ था कि वो फट गया था, उसमें मैंने ज़्यादा लिक्विड गर्म जब डाला है, तो ये ज़्यादा एक अच्छी ऑप्शन थी। सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी, बेकिंग से रिलेटेड भी सारा सामान था, यानी और कटर्स वगैरह भी थे, सब चीज़ें थी, लाइक सर्विंग डिशेस भी थी, और सर्विंग डिशेस तो कुछ इतनी प्यारी थी। अभी ये जो है ये यहाँ पे ना ये जो गावा बोलते हैं, कावा जो होता है वो उसके मग थे, और ये वाली डिशेस तो इतनी प्यारी मुझे लगी, लाइक इनके कलर इतने प्यारे, इनका जो स्टफ था वो इतना प्यारा था। और ये मुझे अभी साथ मेरा बेटा छोटा बेटा वो मुझे दिखा रहा है कि अब ये भी बताए ना, बिकॉज इसने भी जो टॉय लिया था वो मुझे अभी दिखा रहा है, इसने दिया था एक छोटा सा स्टफ टॉय ना मॉन्की, तो वो अभी मुझे दिखा रहा है कि आप इसका भी बताएं, आप जो बोल रही हैं तो यहाँ से मैंने ये भी लिया था।
साथ में ये सारी, और यहाँ पे जो डिशेस थी ना कुछ, तो और जो कुछ बॉल थे वो बहुत ही अच्छे थे, लाइक शीशे के भी थे लेकिन जो दूसरे थे ना बोन्स वगैरह में कुछ इस तरह का जो स्टफ़ होता है वो भी बहुत अच्छे थे। तो ये छोटे छोटे बॉल ये वाले भी थे डिस्काउंट में, लाइक 3-4 जो हैं वो थे 5 रियाल में थे, कुछ दो थे वो थे 5 रियाल में। यहाँ पे ये सारे स्टॉक, साथ में मेरा छोटा बेटा जो है वो भी साथ में दिखा रहा था मुझे, और बल्कि वो चूज़ भी करवा रहे थे कि मामा आप ये नहीं ये वाली लें, तो उसको मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें करने में। जब से अभी वो माशाल्लाह अभी उसका हाथ जाना स्टार्ट हो गया है ना सारे बर्तनों पे, तो अभी वो चीज़ें चेक करता है कि अच्छा ठीक है मैं भी यानी उठा के दिखा सकता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इस साइड पे सारी कलरफुल सी चीज़ें, लाइक इसमें बच्चों के लंच बॉक्सेस भी थे वो भी अच्छे थे, साथ में बॉटल और लंच बॉक्स, ये हैंगर्स वगैरह पड़े हुए, और ये मुझे मज़े के लगे कलरफुल से हैंगर थे। और अच्छा यहाँ पे मोस्टली जो शॉप्स होती है ना वहाँ पे यही सीन है, वो वन स्टॉप शॉप ही है, तो यहाँ से बस हम लोग बस इतना ऐसा ही विज़िट किया था हम लोग आ गए थे। ये बहुत ही बड़ी शॉप है बट मैं बच्चों के साथ जा नहीं सकती थी सारे में, तो हस्बैंड ने मैं कॉल की थी कि वो बस आ रहे हैं बाहर, तो उनसे उनके आने से कोई 2 मिनट पहले ही मैं बाहर आ गई थी, आके बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया और बस फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और वापसी की तरफ आ गए। अभी वापस जाके तो मैं आपको साथ में ये भी दिखाती हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या बाय किया था। ये जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं ना वहाँ पे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन जहाँ पे ये शॉप थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। ये अभी आपने देखा ये वाले जिस तरह से ये है ना, ये खाली रोड है, इतना ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं, हम लोगों का जो एरिया ना ये इतना कोई रशी एरिया नहीं है, बट जहाँ पे ये अलबासिम शॉप है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो जिन लोगों ने जो लोग रियाद में और जिन्होंने विज़िट नहीं किया हुआ ना और उनको कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक डिफरेंट शॉप्स से जो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उससे बेटर है कि आप ये इधर ही वन स्टॉप शॉप पे चले जाएँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारी टाइप की चीज़ें मिलेंगी, कुछ 5 रियाल की नहीं भी होती हैं, कुछ 11 की भी होती हैं, थोड़े ऊपर भी होती हैं, बट अच्छी होती है यहाँ पर रेंज, बैग्स मेकअप सब चीज़ें होती हैं, लाइक चीप भी और एक्सपेंसिव भी, लेकिन 5 से एक्चुअली स्टार्ट होती हैं। अब ये जो बाउल आप देख रहे हैं ना ये इतना अच्छा इनका मटेरियल था, मुझे एक्चुअली चाहिए थे मिक्सिंग बाउल ना, बट ये सर्विंग के लिए भी काम आ रहे हैं और साथ में मिक्सिंग के लिए भी, तो मैंने सोचा कि बजाय वो लेने के यही वाले ले लेती हूँ, दिस वॉज लाइक 2 इन 1। अच्छा और ये देखें ये जो मैं स्पून आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक्चुअली दिस इज़ लाइक अ स्केल, तो इसके ऊपर सारे मार्क्स थे, लाइक ग्राम्स के भी थे और ML के भी थे, कि आप ये इतनी चीज़ है और इतनी चीज़ है, आप इस तरह से इसको मूव कर लें और साथ में उतना तो जो स्पून है वो एक्सटेंड होता जाएगा, लाइक इस तरह से अगर आप नीचे करेंगे तो वो स्पून बड़ा हो गया। साथ में बताया भी हुआ था नीचे सारे मार्क थे कि कितना छोटा है, ये क्या क्या मतलब किस मार्क पे कितनी क्या मेजरमेंट है स्पून की, तो ये मुझे मज़े का लगा था ये स्केल। अच्छा और साथ में ये मैंने राउंड डिश ली थी बिकॉज मेरे पास बाकी चीज़ें राउंड राउंड में थी, तो इस वजह से मैंने ये डिश ली, ये डिश अच्छी लगती है, लाइक राइस वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं, कुछ प्लेटर उस तरह से बनाना हो तो उसमें बना सकते हैं। और ये छोटी ली थी, ये बाउल के साथ ही मैंने मैच की थी, ये इसके कवर के तौर पे भी यूज़ हो जाएगी और साथ में अगर मैंने कुछ इसमें ऐड करना हो लाइक बारबेक्यू टाइप इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो अच्छी लगेगी इसमें। तो साथ में मैंने ली थी, मुझे टेबल वेयर जो है वो चाहिए था बिकॉज़ बच्चों में ये जो मैंने डाला हुआ है ना टेबल वेयर, ये बच्चों ने क्या किया इसको कल प्ले करते हुए तो इसको काट दिया सीज़र लेके ना साइड से, सारा इन लोगों ने कट लगा दिए हुए हैं, देवर लाइक मामा हम तो डिज़ाइन बना रहे हैं ये देखें ये कैसा बना है, तो अभी मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकती थी कि ये आपने मतलब क्या किया है, तो अभी वो खुश हो रहे थे कि मामा ये आपने ये तो आपने अच्छी वाली ले ली है, बिकॉज टेबल ग्रे था सो मैंने साथ में ये ग्रे शीट ही ले ली बिकॉज वो नीचे वो जो कलर है उसका वो ग्रे ही आएगा शीट पर, तो मैं ये रख के देख रही थी कि हाँ ये अच्छा लग रहा है ना बोल, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में मैंने ये ली थी स्ट्रेनर ली थी, स्ट्रेनर मेरे पास थी बट अच्छा मेरे ना बच्चों ने एक्चुअली बहुत से बर्तन तोड़ दिए हुए हैं, मेरे इतने स्पैचुलास तोड़े हुए हैं, बॉल्स तोड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल न्यू, तो अभी फिर उसके बाद फिर मैं अभी कम कम ही लेके आ रही हूँ, लाइक ये क्या करते हैं टॉयज़ के साथ प्ले करते करते साथ में किचन से ले जाते हैं चीज़ें उठा के, तो बोलते हैं मामा हम भी खाना बना रहे हैं, तो बस इसी चक्कर में कभी दीवारों पे मार मार के, बिकॉज मैं लेके आई थी सिलिकॉन के जिस तरह से ये अभी देख रहे हैं ना इस तरह हमारे सारे स्पैचुलास के प्रॉपर सेट, और मैं लेकर भी आई थी जब मैं वो लेके आई थी वो मैं उस शॉप से लेके थी जहाँ पे 5 रियाल पर स्पैचुला था, तो वो इन्होंने सारे वेस्ट किए, अभी उसके बाद मैंने मुझे उस तरह से मैंने किया ही नहीं है ये काम। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अभी पूरा सेट था, देखें ब्रशेज़ का, और ये भी मैंने ले ली थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। नोजल्स तो मेरे पास नहीं पड़ी हुई, इसमें सारी नोजल्स के ऑप्शन तो ज़्यादा नहीं थे बट ये पाइपिंग बैग के बजाय ये एक ठीक था, और साथ में मुझे चाहिए था ये स्पाइडर पैन भी, इसको फ्राइज़ वगैरह के लिए मेरे पास नहीं था बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा नॉन स्टिक बर्तन है तो मैंने स्टील के यूज़ नहीं किए थे, तो अभी यहाँ पर मुझे सिलिकॉन का मिला नहीं था तो इस वजह से फिर मैंने यही ले लिया।
कि चलें इसको उसके साथ टच नहीं करेंगे। साथ में नैपकिन जो है वो काफ़ी टाइम पहले लिए थे तो अभी वो मुझे गंदे गंदे से लग रहे थे, मतलब वॉश करने के बाद भी इतने नीट नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसका एक सेट ले लिया। और साथ में मैंने लिया है ये क्लिंक रैप लिया है। हाँ, बट क्लिंक रैप जब मैंने ओपन किया था ना तो ये उस तरह से वो अच्छा नहीं था क्लिंक रैप, और ये इधर हो गया था कैमरा उल्टा, और ये मैंने कर लिया सेट। अच्छा, और साथ में ये मैंने लिए थे किचन टॉवल्स लिए थे, या एब्जॉर्बेंट पेपर जो भी आप इसको कह लें, तो उसके मैंने 2 पैक लिए थे, बिकॉज़ टिश्यू पेपर के साथ मैं अभी कुछ दिन से काम चला रही थी, तो वो ऑफ कोर्स फ्राइज़ वगैरह जो फ्राइड चीज़ें उनके लिए वो ठीक नहीं होता। तो ये था बस आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर एंड प्लीज़ लाइक। आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।